पूर्व भारतीय क्रिकेटर और 1983 विश्व विजेता टीम का हिस्सा रहे यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। मंगलवार सुबह हार्ट अटैक आने की वजह से यशपाल शर्मा का निधन हुआ। यशपाल शर्मा की उम्र 66 साल थी। यशपाल के निधन से क्रिकेट जगत और उनके चाहने वाले में शोक की लहर दौड़ गई है। यशपाल शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 1979 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था, जबकि 1983 में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। यशपाल शर्मा ने 1978 में वनडे डेब्यू किया था और 1985 में अपना आखिरी वनडे मैच खेला था। यशपाल शर्मा ने भारत के लिए कुल 37 टेस्ट मैच खेले थे। वहीं कुल 42 वनडे मैच में यशपाल शर्मा ने 883 रन बनाए थे। यशपाल शर्मा साल 1983 में विश्व कप जीतने वाली टीम का अहम हिस्सा थे। साल 1983 के वर्ल्ड कप के बाद यशपाल शर्मा का करियर लगातार ढलान की ओर जाने लगा। खराब परफॉर्मेंस की वजह से यशपाल शर्मा को पहले टेस्ट टीम से बाहर निकाला गया, उसके बाद वह वनडे में भी वापसी नहीं कर पाए। पंजाब के रहने वाले यशपाल शर्मा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेटर बनाने में दिलीप कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी। इस बात का खुलासा खुद यशपाल शर्मा ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। यशपाल ने बताया था कि अगर क्रिकेट में मेरा कोई करियर बनाने वाला है तो वह यूसुफ भाई यानी दिलीप कुमार हैं। इस दौरान यशपाल ने ये भी कहा था कि मेरे जिंदा रहने तक मेरे एक ही फेवरेट अभिनेता रहेंगे जिन्हें आप दिलीप कुमार के नाम से पहचानते हैं। आपको बता दें कि यशपाल शर्मा का जन्म 11 अगस्त 1954 को पंजाब में हुआ था। पंजाब के स्कूल की ओर से खेलते हुए यशपाल शर्मा ने 260 रनों का पहाड़ स्कोर बनाया था, जिसके बाद से ही वो लगातार सुर्खियों में रहे थे। न्यूज़ डेस्क।